Subscribe Review Master Vikrant in your YouTube app and get all videos of Review Master. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी वीडियोस में गैजेट रिव्यूज भी लाया करूं, इसलिए दोस्तों मैं लेके आया हूं 2016 के ऐसे स्मार्टफोनों की लिस्ट जिन्होंने अपने कैमरे के मामले में धूम मचा रखी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 5 स्मार्टफोनों की लिस्ट जो कि इंडिया में 2016 में लॉन्च हुए और इनका कैमरा जबरदस्त है। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे काउंटडाउन के 5वें नंबर के फोन की बात की जाए तो गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सल हमारे 5वें नंबर पे आता है। इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोनों ही कैमरे के एपरेचर की बात की जाए तो f/2.0 का एपरेचर आपको मिलता है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ और डुअल LED के साथ। डेक्सो मार्क कंपनी की बात की जाए तो कैमरा जो कि कैमरा के स्टैंडर्ड पे अपनी रेटिंग देती है, उसने कहा है कि गूगल पिक्सल का कैमरा 2016 में लॉन्च हुए आईफोन 7 और सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge से भी ज्यादा अच्छा कैमरा गूगल पिक्सल का है। और हमारा मानना है कि हमारे काउंटडाउन में 5 नंबर पर रहेगा। हमारे इस काउंटडाउन के 4th नंबर के फोन की बात की जाए तो वो है Xperia XZ। इसका प्राइमरी कैमरा 23 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 23 मेगापिक्सल है। दोनों ही कैमरों में एपरेचर आपको f/2.0 का देखने को मिलता है। इसमें सेंसरों की बात की जाए तो इसमें सोनी ने 3 तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल किया है। पहला सेंसर लेजर ऑटो फोकस जो कि फोकसिंग को तेज बनाने के लिए है। दूसरे सेंसर की बात की जाए तो RGB IR सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो कि कलर रिप्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा सेंसर माना जाता है। और तीसरा सेंसर जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है इमेजिंग सेंसर जो कि हाई स्पीड मूव करने वाली चीजों की भी फोटो बड़ी आसानी से खींच पाता है। इस प्रकार यह स्मार्टफोन हमारे काउंटडाउन में 4th नंबर पाता है। अपने काउंटडाउन के तीसरे स्मार्टफोन की बात की जाए तो इसमें Huawei का P9 कैमरा हमारे तीसरे स्थान पर आता है। इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसका कैमरा एक कैमरा लेजेंड कंपनी लेसिका के कोलैबोरेशन से बना हुआ है जिसमें कि डुअल कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। इसके रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1.25 माइक्रोन का इसका रेजोल्यूशन आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपने काउंटडाउन के दूसरे ऐसे स्मार्टफोन की जिसने 2016 में धूम मचाई हुई है अपने कैमरे के मामले में। वो है हमारा सबसे महंगा फोन आईफोन 7 और 7 प्लस। 12 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा और 7 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से लैस इस फोन का एपरेचर f/1.8 जो कि 50% ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए इस फोन के कैमरे की जो इमेज प्राप्त होती है हमें उसमें काफी ज्यादा डेप्थ होती है। डुअल कैमरा होने के कारण इसमें 2x का ऑप्टिकल जूम और 10x का डिजिटल जूम आपको प्राप्त होता है। और हमारे इस काउंटडाउन का जो विनर है पहले नंबर पे है वो स्मार्टफोन है सैमसंग का S7। सैमसंग हमेशा ही अपने कैमरे के मामले में अग्रणी रहा हुआ है। इस फोन में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दोनों ही कैमरे के एपरेचर की बात की जाए तो f/1.7 का एपरेचर आपको देखने को मिलता है। गैलेक्सी S7 के कैमरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये आज तक के सारे स्मार्टफोनों में सबसे अच्छा कैमरा रखने वाला फोन है। इसका लो लाइट में जो इमेज रिप्रोडक्शन है वो काफी जबरदस्त है और इस काउंटडाउन में सबसे ज्यादा अच्छा है। इसकी डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी काफी तेजी से ऑटो फोकस करती है जिससे कि हमें लो लाइट में भी अच्छा इमेज रिप्रोडक्शन मिलता है और तेजी से मूव करने वाली चीजों की भी फोटो काफी अच्छे से या लो लाइट में भी और अच्छी लाइट में दोनों में ले पाता है। तो यह थे हमारे 5 स्मार्टफोन जो कि 2016 में भारत में लॉन्च हुए और इनके कैमरों ने अपनी धूम मचाई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप देंगे। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।